और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम रंजन जी, एक तरफ जो बयान देते हैं कि कृषि विभाग में कई चोर है और उसके बाद अब सुधाकर सिंह का इस्तीफा, इसके क्या मायने लगाए जाएंगे? देखिए, हम लोग तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि महागठबंधन में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस प्रकार से जो सरकार बनी, वो सरकार पूरी तरह से नीतीश कुमार की इच्छा के विरुद्ध था, उनको मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा। जो उनकी छवि रही है, आज जो स्वभाव रहा है, काम करने का तरीका रहा है, उसके हिसाब से आप देखेंगे कि कई सारे अपराधी क्षेत्र के और भ्रष्टाचारी व्यक्ति उस मंडल में शामिल थे। नीतीश कुमार की छवि रही है कि जब भी जो ऐसे किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, वो तुरंत उसका इस्तीफा देते रहे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो सकी विधि मंत्री का इस्तीफा मांगने का। जब कोर्ट ने वारंट उनका खारिज कर दिया और उसके बाद जो ऐसे वो उनको इस्तीफा कर देना था, आज जो ऐसे सुधाकर सिंह कृषि मंत्री हैं, वो लगातार सरकार के ऊपर और अपने विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोल रहे थे और कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने जब उनसे कुछ जानना चाहा, पूछना चाहा, तो उठ करके चल दिए। तो ये मुख्यमंत्री को भारी गवार लग रहा था, गवारा जो ऐसे लग रहा था, और सुधाकर सिंह लगातार हमला कर रहे थे सरकार के ऊपर। मुझे लगता है ये सारे जो ऐसे दोनों के आपस में का द्वंद है कि दोनों तालमेल है ही नहीं अंदर से, केवल जो ऐसे एक समझौता केवल सरकार का है और नीतीश कुमार को मजबूरी बस उस सरकार में को चलाने के लिए समझौता करना पड़ा है। मुझे लगता है आने वाला समय में और बड़ा भूचाल होगा और कई लोगों का इस्तीफा हो सकता है। प्रेम रंजन जी, क्या हम इसको माने कि नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह के बीच में जो तकरार थी, जो अंदर खाने से चल रही है, वो बाहर निकलकर सामने आ गई है? तकरार तो बराबर चल रहा था जब कैबिनेट की बैठक में और सुधाकर सिंह से जानना चाहे, पूछना चाहे मुख्यमंत्री, और वो छवि मंत्री की इतनी मारकर कि मुख्यमंत्री से बात करना, उनके जवाब देना, उनकी बातों का जवाब देना माफी नहीं समझा। जब किसी विभाग का कोई समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करते हैं तो उसमें मंत्री नहीं रहते हैं, आपसे जो है तकरार चल रहा था, विचित्र बात थी सरकार के अंदर में। मुझे लगता है कि इस बार पूरी तरह जो है मजबूत हो गए, वहां पूरी तरह से असहाय हो गए हैं, उनका कुछ चल नहीं रहा था और सुधाकर सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोल रहे थे इस सरकार के खिलाफ, और मुख्यमंत्री पर उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि हमारे विभाग के अंदर में जो भ्रष्टाचारी है उनको बचाया जा रहा है। तो बचाने वाला कौन है? उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों का और उनका पूरी तरह से मैं सरदार हूं और हमारे ऊपर भी सरदार बैठे हुए हैं। तो अब कौन लोग ऊपर बैठे हुए सरदार हैं और किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है? मुझे लगता है ये आपस चिंता कर रहा है दोनों महागठबंधन की सरकारों का। ये बहुत दिनों तक जो ऐसे नहीं चल सकता। नीतीश कुमार पहले भी जब 15 में गठबंधन की सरकार बनाए थे और 17 में अचानक वो छोड़ कर करके अलग हो गए थे, आने वाला समय में मुझे लगता है उसी प्रकार का कुछ जो ऐसे आपको खबरें जो ऐसे मिलेगी। एक तरफ राजद की ओर से लेटर जारी किया जाता है कि कोई भी बयान तेजस्वी यादव को छोड़कर आधिकारिक बयान नहीं देगा, दूसरी तरफ राजद कोटे से कृषि मंत्री का इस्तीफा। देखिए, लगातार जो है बयानों का चल रहा था, कई सारे विधायक, कई सारे मंत्री और पार्टी के लोग भी सरकार पर हमला कर रहे थे, नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे। एक विधायक ने तो इतना कहा, विधायक ने बुलाते नहीं गया था, खुद नीतीश कुमार आए हैं और आए हैं तो हम की बार इधर उधर जाएंगे तो इनका पूरा करियर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का बयान राजद के लोगों पे यह दर्शाता है कि नीतीश कुमार पर पूरी तरह से हमलावर है और नीतीश कुमार विवश और लाचार है वहां। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज बायस्कोप से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार के राजद कोटे से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और सुधाकर सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं।